शीतकालीन अधिवेशन पूर्वर प्रधानमंत्री संबोधन कहिले केन्द्र सरकार प्रति प्रश्नर उत्तर रखा एवं चर्चा करने को प्रस्तुत अच्छा संसद में प्रश्न भी हो शांति भी रहो संसद अधिवेशन देश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले, सकारात्मक निर्णय वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ
सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देशहित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित दिल्ली सीधा सड़क जोड़ी होती आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल। गगन, वर्तमान शीतकालीन अधिवेशन संसद में आरंभ हो जाए, आज हूँ प्रथम दिन, वर्तमान गृहर स्थिति कौन देखुं, कौन सब आलोचना चली, कौन अपडेट खबर आसुची? जहाँ बर्तमान सूचना आसी उभय गृह बर्तमान आरंभ होती, उभय गृह में बर्तमान सर्वप्रथमे जो दिवंगत नेता मैंने देहांत होती उदेश बर्तमान गोटे शोक प्रस्ताव पारित करापे निश्चित भाव क्वेश्चन आवर चलो, तापर जीरो आवर चलो। जहाँ सूचना रही अपराह्न 12 पाखापाखि समय लोकसभा नरेन्द्र सिंह तोमर जे कृषि मंत्री होती से कृषि बिल जो प्रत्याहार आईन रही इंट्रोड्यूस करेंगे और निश्चित भाव गृह में पारित होवर्त पर्याय राज्यसभा पारित हो। जहाँ अध घंटे पूर्व जी कहे गृह अध घंटे पूर्व जो अपडेट आसाला से विरोधी दल मानक गोटे बैठक होता कौटि ना कौटि विरोधी दल भितर गोटे फाट सृष्टि कहीं टीएमसी जोग दे ना कांग्रेस डाकि बैठक में कौटि ना कौटि टीएमसी निजक से सशक्त भावुची पार्लियामेंट जहाँ फल कांग्रेस जो बैठक को आह्वान कर कांग्रेस जो बैठक डाकि 13 पॉलिटिकल पार्टी से जोग देते कि टीएमसी से सामिल हो ना जहाँ कि गोटे स्पष्ट सूचना आसी कौटि ना कौटि विरोधी एकजुट नहांती संसद में। अपरपक्ष देखिए प्रधानमंत्री संसद आरंभ पूर्व गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रखिले जो प्रतिक्रिया आप शुणुते तार ठीक पर जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मान रही राजनाथ सिंह, पीएस गोयल, अमित शाह, प्रहलाद जोशी, नरेन्द्र सिंह तोमर जो वरिष्ठ मंत्री मान रही सहित से आलोचना करते कि भाव गृह कार्य परिचालना और खास कर जो आज व्हिप जारी कराई बीजेपी पक्षर समस्त सांसद उपस्थित रही ना ये सब कथ को लेकिन कौटि ना कौटि प्रधानमंत्री आलोचना करजर वरिष्ठ मंत्री मान सहित तेरे निश्चित भाव संसद आरंभ हो गृह बेस गरमागरम रही कहीं निकट में जो कृषि आईन प्रत्याहार कर आज तार प्रथम दिन में ही कृषि आईन प्रत्याहार बिल आस तेज निश्चित भाव गृह गरमागरम रोज तेज गृह कार्य कि भाव चलुची ता निश्चित भाव आगामी किसी घंटा पर स्पष्ट हो। बर्तमान मध्य गृह बेस सरगरम रही निश्चित भाव में गगन। आउ गोटे कथा जदि देखा आज तो हूँ प्रथम दिन आहुरी 19 दिन बाकी रही गृह चलवापी तेरे सबुठ बड़ कथा हो ओडिशार किटा प्रसंग संसद में उठवा नहीं सम्यक सूचना मिलूँ कौन रही है एने आपंपेट खबर
देखो वर्तमान जहाँ लाटेस्ट अपडेट सुरेश पुजारी गोटे नोटिस निज कन्स्टिट्युएंसी को लेकिन तार रिप्लाई आसी नितिन गडकरी तार रिप्लाई देते अनस्टार क्वेश्चन थिला से भाव में अनेक गुड़िया क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन रही जार धीरे धीरे आज जेहतु प्रथम दिन तेनाली निश्चित भाव का पर दिन कि दुई तीन दिन पर सब रेजल्ट आसक क्वेश्चन से पचार किए कोल रॉयल्टी कथ पचार तो किए खाद्य सुरक्षा को लेकिन राज्य को केते अर्थ आसी तेणु सबू सांसद बीजेपी कांग्रेस और बीजेडी तीन सांसद अलग अलग स्ट्राटेजी रही पार्टी पॉलिसी अनुसार से क्वेश्चन पुट करते अनुसार उत्तर आसो तेणु निश्चित भाव अनेक प्रसंग में राज्य सरकार को मुखा खोल अनेक प्रसंग में केन्द्रीय सहायता कथ आस निश्चित भाव से सब पर कथ कि जहाँ संसद पूर्व जो सांसद मान प्रतिक्रिया निश्चित भाव महांगा डबल मर्डर कथ कहु ममिता मेहर केस कथ कहु ये प्रसंग निश्चित भाव संसद में देखा मिले कहीं गत काली जुएल ओराम सुरेश पुजारी सप्तगिरी उलाका ये सब प्रसंग साणित करे स्पष्ट कर अपरपक्ष बीजेडी स्टैंड कथ देखिए बीजेडी जो रही पीएम किसान जो बीमा योजना रही से 60-40 रेसीओ डिमांड करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल आने डिमांड करेंगे तेज निश्चित भाव अनेक कथा से डिमांड करेंगे और राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति को लेकिन संसद में राज्य सरकार को मुखा खोलिए विरोधी स्पष्ट कर गगन जेहेतु आज प्रथम दिन गृहर बहुत गुरुत्व बहन कर गृह प्रकृत में केमी चलू पूरा नजर रखि था गृह पर बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर तमाम सूचना पाए।